हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिशन नोट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट इंडिया में ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाया है या किसी वजह से उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि वो MBBS कर सकते हैं एब्रॉड से। और एब्रॉड में भी कौन सी कंट्री चुन सकते हैं, वो उस कंट्री का नाम है रशिया। अब बात करते हैं कि रशिया में भी कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट मैक्सिमम यह क्वेश्चन करते हैं कि हमें मॉस्को के नियर बाई कोई अगर यूनिवर्सिटी मिल जाए जो लो बजट या मीडियम बजट में हो और हमें मॉस्को से नियर बाई मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो मॉस्को से नियर बाई जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। उलियानोव्स्क स्टेट में जो ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, जहाँ आसपास में मॉल शॉप्स और काफ़ी जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, जिसमें कि स्टूडेंट अपने डेली नीड की या फिर और भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीजें वहाँ इजीली आपको वहाँ मिल जाती है। यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, फीडबैक उनका बहुत ज्यादा अच्छा है। जो वहाँ से इंडियन स्टूडेंट पास आउट हैं या वो जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनकी फैसिलिटीज देख के इंडियन स्टूडेंट्स का रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छा है। इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम का MBBS का कोर्स है, जिसमें क्लासेस में इंग्लिश मीडियम कराई जाती है। इस यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल जो इन स्टूडेंट्स की क्लिनिकल जो क्लासेस होती है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा इन लोगों को एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। इंडियन स्टूडेंट चाहे तो प्राइवेट हॉस्टल्स में भी रह सकता है, गवर्नमेंट में भी रह सकता है। प्राइवेट की अगर बात करें तो 60,000 रूबल पर ईयर का प्राइवेट का खर्चा है, लेकिन उसकी फैसिलिटीज गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर 18 से 20 हजार रूबल पर ईयर का इसमें खर्चा है। मैथ्स दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है। यहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और MBBS में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम या स्पोर्ट्स के ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं, वो उन फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये स्पोर्ट एक्टिविटीज हॉस्टल के जस्ट नियर बाई हैं, जो कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती स्पोर्ट ज्वाइन करने में। ज़्यादा हॉस्टल से दूर नहीं है स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए जो प्लेसेस हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका 50% से अबव मार्क्स चाहिए। एंड अगर बात करें नीट, नीट उसमें मैंडेटरी है, नीट क्वालिफाई स्टूडेंट ही एब्रॉड के लिए। मैथ्स वहाँ नियर बाई है, इंडियन मैथ्स वहाँ अवेलेबल है। इंडियन स्टूडेंट्स 130 से 140 डॉलर पर मंथ का इसमें मैथ्स का खर्चा होता है। तो अगर टोटल लगाएं तो आपके 22 से 23 लाख रुपए में इंडियन स्टूडेंट्स का अपना MBBS का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी admissionroot.com वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या दिए गए जो नंबर है उन पे आप कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं।